नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार की ओर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मानित किए गए, समाजवादी योद्धा सम्मान से। पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष हाजी अब्दुल रब अंसारी द्वारा आयोजित किया गया था यह कार्यक्रम। जिले में इस तरह का आयोजित किया गया था यह पहला कार्यक्रम, इसके पहले नहीं हुआ कोई आयोजन। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान में पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष हाजी अब्दुल रब अंसारी द्वारा रविवार को आरएमसी कालीन प्रतिष्ठान में समाजवादी योद्धाओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला इकाई, विधानसभा इकाई, बूथ व सेक्टर प्रभारियों को समाजवादी योद्धा के रूप में अंग वस्त्रम, फूलमाला व टोपी पहनाकर स्वागत हुआ। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के युवा नेता व पार्टी के विधानसभा टिकट के भावी प्रत्याशी अल्ताफ हुसैन अंसारी ने कार्यक्रम में जिले के कोने कोने से आए सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। अपने इस सम्मान से पार्टी के कार्यकर्ता काफी खुश नजर आए। वहां पर पत्रकार भी सम्मानित किए गए। समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। पार्टी के युवा नेता अल्ताफ हुसैन अंसारी ने सभी को सम्मानित करने के बाद उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सभी से 2022 में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर तरफ खुशहाली आएगी, विकास की गंगा बहेगी जो भाजपा सरकार में अवरुद्ध हो गया है। वहीं जिला अध्यक्ष विकास यादव ने इस आयोजन के लिए हाजी अब्दुल रब अंसारी व अल्ताफ हुसैन अंसारी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अभी तक फिलहाल कार्यकर्ताओं का इस तरह से सम्मान नहीं हुआ था। यह जिले में पहला कार्यक्रम है जहां सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने हाजी अब्दुल रब अंसारी की तारीफ की। जिले के सम्मानित सभी बंधु प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज़।